अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, दबाएं बेल आइकन और देखें वीडियो सबसे पहले। एक बार मुनियों की सभा में मुनियों ने यह इच्छा प्रकट की कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु तथा शिव में कौन सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन ऐसे महान देवताओं की परीक्षा की सामर्थ्य किसमें है। देवों की इस सभा में महर्षि भृगु भी विद्यमान थे। सभी मुनियों की दृष्टि महर्षि भृगु पर जाकर टिक गई। सभी मुनियों को यह ज्ञात था कि महर्षि में बुद्धि बल, कौशल, असीम सामर्थ्य तथा अध्यात्म व मंत्र ज्ञान बहुत है। सभी ने उनसे अनुरोध किया कि आप त्रिदेव की परीक्षा लेकर यह बताएं कि इनमें कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार महर्षि भृगु त्रिदेव के परीक्षक बन गए। सबसे पहले भृगु अपने पिता ब्रह्मा के पास गए और उन्हें प्रणाम नहीं किया। ब्रह्मा जी ने देखा कि भृगु जी ने उन्हें प्रणाम नहीं किया। उन्होंने समझा कि इन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसलिए वे क्रोधित होकर उनसे रुष्ट हो गए। भृगु ने देखा कि इनमें तो क्रोध विद्यमान है, वे चुपचाप वहां से लौट आए और फिर महादेव के पास जा पहुंचे, किंतु वहां भी महर्षि भृगु को संतोष नहीं हुआ। अब वे विष्णु के पास गए। वहां उन्होंने देखा भगवान नारायण शेष शैया पर शयन कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनकी चरण सेवा में व्यस्त हैं। महर्षि भृगु भगवान के समीप जाकर खड़े हो गए और उन्होंने तीव्र गति से उनकी छाती पर लात मारी। पर यह क्या, भगवान जाग पड़े और मुस्कुराने लगे। भृगु जी ने देखा कि इन पर तो कोई असर नहीं हुआ, ये तो क्रोधित भी नहीं हुए। मैंने तो इतना गलत काम किया और इन पर लात दे मारी, लेकिन फिर भी ये रुष्ट नहीं हुए। भगवान नारायण ने प्रसन्नता पूर्वक मुनि को प्रणाम किया और उनके चरणों को धीरे धीरे अपना मधुर स्पर्श देते हुए कहने लगे, मुनिवर, कहीं आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? ब्राह्मण देवता, आपने मुझ पर बहुत कृपा की, आज आपका यह चरण चिन्ह मेरे वक्ष स्थल पर सदा के लिए अंकित हो गया। भगवान विष्णु की ऐसी विशाल सहृदयता देखकर भृगु जी ने यह निश्चय कर लिया कि देवों के देव देवेंद्र नारायण ही भगवान विष्णु त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। त्रिदेवों में भगवान विष्णु इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ कहलाए। अगले सप्ताह हम किसी अन्य चर्चा के साथ आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद दोस्तों।